ओके तो क्या हाल है आप लोगों का। मेरा नाम है अमन नितोष और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्किन के बेस्ट क्वालिटी को कैसे पा सकते हो। मैंने इस वीडियो को तीन हिस्सों में बांटा है और उस हर एक हिस्से में मैंने तीन तीन मेन चीज़ों को पॉइंट आउट किया है। और पहला हिस्सा होने वाला है कि आप एक बेसिक स्किन केयर रूटीन को कैसे डेवलप कर सकते हो। दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए क्लियर स्किन पाने के लिए। और तीसरे हिस्से में मैं आप लोगों को डाइट शेड के बारे में बताने वाला हूँ कि किन किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन किन चीज़ों को नहीं, ताकि आपकी स्किन ग्लो करे। मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो फायदेमंद है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के पार्ट वन के बारे में कि आप एक बेसिक स्किन केयर रूटीन को कैसे डेवलप कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो हर इंसान को करनी चाहिए एक स्किन केयर रूटीन को डेवलप करने के लिए इज़ फेस वॉश डेली। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई क्या ये सभी स्किन टाइप के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है? तो सुनो, वैसे तो हर किसी को नो मैटर व्हाट हिज और हर स्किन टाइप इज, फेस वॉश करना चाहिए एक्सरसाइज और वर्कआउट के बाद टू प्रिवेंट ब्रेकआउट्स। और अगर बात की जाए ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लोगों के लिए, तो इन लोगों को दिन भर में दो बार फेस वॉश करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद, ताकि आपके फेस ने जो रात भर में ऑयल को सिक्रीट किया है वो आपके फेस से धुल कर हट सके, और दूसरा रात को सोने से पहले, ताकि उनके चेहरे से सारा मेकअप्स और ऑयल रात में हट सके। और अगर बात की जाए ड्राई या फिर सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए, तो इन लोगों को दिन भर में सिर्फ एक ही बार फेस वॉश करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी एक बेसिक स्किन के रूटीन को डेवलप करने में इस मॉइस्चराइज योर स्किन डेली। अब फिर से वही सवाल उठेगा कि कितने बार और कितने मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये भी फिर आपके स्किन टाइप के ऊपर वैरी करेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली टाइप की है तो आपको दिन भर में सिर्फ एक ही बार अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना चाहिए, और वो भी पी साइज अमाउंट में। मैं तो बोलूँगा जितना कम हो सके उतना कम ही मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या फिर सेंसिटिव टाइप की है, तो आप लोग दिन में 2 से 3 बार अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। और अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप लोग दिन भर में 4 से 5 से 6 घंटे के इंटरवल पर अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाएं, और जब आप लोगों को लगे कि मुझे अब मेरे स्किन पर मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, तब भी आप अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, जो कि आपके स्किन के पोर्स को कम ब्लॉक करेगा। ड्राई स्किन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग स्किन टाइप है, और अगर इसकी अच्छी तरीके से केयर नहीं हुई तो ये बहुत ही ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ड्राई स्किन के ऊपर, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो प्लीज आप उस वीडियो को चेकआउट करो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया कि आप ड्राई स्किन के कैसे छुटकारा पा सकते हो, कौन कौन से मिस्टेक्स की वजह से आपको ड्राई स्किन होती है, किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपकी ड्राई स्किन है। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द बेसिक स्किन केयर रूटीन इज एक्सफोलिएट योर स्किन। अब फिर से वही चीज़ कि आपको अपने चेहरे को कितने बार एक्सफोलिएट करना चाहिए, तो इसका आंसर है हफ्ते में सिर्फ एक ही बार, क्योंकि एक्सफोलिएशन आपकी स्किन के लिए हार्श होता है, बट ऑन द अदर हैंड ये आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल भी होता है, क्योंकि ये आपके स्किन के डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर न्यू स्किन सेल को उभार कर लाता है, जो आपके स्किन के बेस्ट क्वालिटी को पाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और ये आपके स्किन के टेक्स्चर को भी इम्प्रूव करता है और आपके स्किन को और भी ज़्यादा बेटर बनाता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि कौन कौन से मिस्टेक्स आप करते हो जिसकी वजह से आपकी स्किन और भी ज़्यादा खराब और डल बनती है। सो नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज नॉट यूजिंग द स्किन केयर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। जैसे कि ड्राई स्किन वाले बंदे को आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और एल्कोहल वाली चीज़ों को अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को और भी ज़्यादा ड्राई बना सकता है। वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हजारों एग्जाम्पल हैं, बट मैं उन सभी को इस वीडियो में जुड़ाने नहीं बैठूंगा, इसलिए हमेशा अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करें। सेकेंड मिस्टेक इज नॉट टेकिंग अ गुड डाइट। डाइट की वजह से भी आपको तरह तरह के स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए हमेशा वो डाइट लें जिसमें ज्यादा मात्रा में नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, थर्ड पार्ट का वेट करो। थर्ड पार्ट डाइट के ऊपर ही है कि आप लोगों को किन किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए एक क्लियर स्किन पाने के लिए। थर्ड मिस्टेक इज स्लीप डिप्रीवेशन। स्लीप डिप्रीवेशन से कौन कौन से स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होती, आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, आपकी स्किन की टेक्स्चर खत्म हो जाती है, आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं रह पाती, डार्क सर्कल्स हो जाती है, और भी पता नहीं क्या क्या। इसलिए हमेशा हर रात को 7 से 9 घंटे की स्लीप ज़रूर लेनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट के बारे में, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी पार्ट भी है, और शायद मुझे लगता है कि ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक क्लियर स्किन को पाने के लिए, दैट इज द डाइट।
तो डाइट के सबसे पहली चीज़ है पानी। आपकी स्किन सेल 70% पानी से बनी हुई है। अब जितने अमाउंट में पानी लोगे उतने ही अच्छे से ये स्किन सेल ग्लो करेंगे। अब इसका ये मतलब मत निकालना तो दिन दिन भर में 20-20 लीटर पानी पीना शुरू कर दो। 3-4 लीटर पानी इज इनफ फॉर एवरीबडी। बट हाँ, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई है तो आप अपने पानी के कंजम्पशन की अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज करो, मतलब 4-5 लीटर से 6 लीटर पानी पिया करो। डाइट की दूसरी चीज़ जो आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है इस वाइटामिन्स, विटामिन ए एंड विटामिन ई आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये सब विटामिन्स मिलेंगे कहाँ से? तो आपको इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाने होंगे और येल्लो टाइप के फ्रूट्स को खाने होंगे, जैसे कि ऑरेंज, मैंगो, पपाया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी फ्रूट येल्लो कलर के हैं। तीसरी डाइट की चीज़ जो आपको हेल्प करेगी क्लियर स्किन पाने में इस जिंक कंजम्पशन। जिंक बेसिकली आपको आपके स्किन को प्रिवेंट करता है तरह तरह के स्किन एलर्जी से और आपको स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होने देता है। अब सवाल फिर से ये उठता है कि आपको जिंक मिलेगी कहाँ से? तो आपको जिंक तरह तरह के नट्स, लेंटिल्स, सीड्स, ये सबसे जिंक मिल जाएगी। डाइट में आप लोगों को क्या क्या लेना है क्लियर स्किन पाने के लिए तो आप लोगों ने सुन लिया, बट क्या नहीं लेना है ये भी सुन लो। आपकी स्किन के जो बहुत बड़ी दुश्मन, सबसे बड़ी दुश्मन है वो है चीनी। चीनी आपकी स्किन पे तरह तरह के स्किन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए चीनी से जितना दूर हो सके उतना दूरी बना कर रखें। और एक चीज को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, डैट इज जंक फूड को, फास्ट फूड को, पैकेट फूड को, इस सब को भी आप अवॉइड करें तो आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। ऐसे स्किन केयर रिलेटेड वीडियो, हेयर रिलेटेड वीडियो, फैशन रिलेटेड वीडियो, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो और हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।